यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और मौसम का मिजाज बदल रहा है जो कि कई लोगों के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के बाद अब आंधी तूफान आने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई सहित महाराष्ट्र के उत्तरी तटीय क्षेत्र में 12 जून तक बारिश तेज होने का पूर्वानुमान है। विभाग ने ऐसा ही अनुमान यूपी और आसपास के राज्यों के लिए जताया है। तो वहीं शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और तूफान ने एक बार फिर कहर बरपाया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सूबे में तेज आंधी से 24 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार की सुबह हिमाचल, चंडीगढ़ और हरियाणा में उत्तरी हिस्सों में बारिश का समाचार है और वहीं दिल्लीवासियों को आज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारी ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आज की सुबह नमी वाली रही। यहाँ तक कि तापमान न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। आर्द्रता का स्तर 71% दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि मौसम वैज्ञानिकों ने आज दोपहर में बारिश की संभावना जाहिर की है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कल अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।